अस्सलाम वालेकुम डीएचए सिटी कराची, हम जा रहे हैं और डीएचए वैली की आज बैलेटिंग है। तो उमेर भाई हम किस लिए जा रहे हैं थोड़ा बताइएगा जरा। डीएचए सिटी जा रहे हैं, वैली की बैलेटिंग है। तो ये कितना समय बैलेटिंग हो रही है डीएचए कराची की? ये इस्लामाबाद में अलॉट हुए थे। सारे फौजी लोग हैं, शहीद लोग हैं, बेचारे सुबेदार लोग हैं, जिनको 12 से 15 साल बाद इनकी सुनाई हो रही है। और ये मैं कहता हूँ बहुत खुशी का दिन है इन लोगों के लिए कि इनकी बैलेटिंग होने जा रही है। क्या लगता है, जो 2016 में 17 सेक्टर आया था और 2017 में जो न्यू डील आई थी जिसमें 37,50,000 रुपए की 125 का स्लिप लॉट दिए गए थे, उनका वक्त कब आएगा फराज भाई? उनका भी अंतरीब आ जाएगा सर, अभी इंशाल्लाह जब इनका अल्लाह ने सुन लिया और इनका काम हो रहा है तो इंशाल्लाह उनका भी। तो जो 2009 में जिनको प्लॉट दिए गए थे उनको अब तक नक्शे नहीं दिए गए, उनका वक्त कब आएगा? यानी आप कह रहे हैं 2017 वालों का? 2009 में जिनको प्लॉट दिए थे, जिनको प्लॉट लगे सेक्टर 9, 10, 11, 12 में रेगुलर प्लॉट, तो उनको प्लॉट अलॉट हुए हैं, उनको नक्शा आया हुआ है, ये ऑफिशियल नक्शा उनका कब आएगा? सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, जैसे रेडी हो जाएगा, आपको पता है थोड़ी बहुत गलियां आगे पीछे निकलती है, जगह निकलती है, एक दो प्लॉट्स की कुछ निकलते हैं कुछ कम होते हैं, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा उनका नक्शा आ जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लॉट लिए थे जी, तो वो बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब तक डीएचएसटी कराची जो है हमारा इस काबिल नहीं सुना कि एक बटन लगा कर नक्शे ले सके। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम साल दो साल की बात रहेगी। अच्छा साल दो साल, अभी भी दो साल लगेंगे बटन दबाने में? साल दो साल में आपका पूरा 16 सेक्टर तक के सारे प्रॉपर नक्शे आपके पास होंगे, प्रॉपर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होंगे। 17 सेक्टर का क्या बनेगा सर, प्लॉट लेके दिए हुए? 17 का जब चैप्टर आएगा, 17 का टाइम आएगा, उसको भी अलॉटमेंट हो जाएगी। लोगों को ये एतमाद है कि हमारा प्लॉट डीएचए सिटी कराची में है, बस 2017 में न्यू डील वाले। ये प्लॉट बहरिया टाउन में नहीं है जिसका पता ही नहीं कि आज है कल नहीं होगा। तो जिस तरह से उनको बाउंड्री से आउट कर दिया गया, मैं कहता हूँ आज हम 17 सेक्टर वालों को भी बोल दें आप बाउंड्री से बाहर हैं। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा 2013 से उनको प्लॉट नहीं दिए गए सर, डीएचए का जो फर्क है उनको बिल्कुल मिलेंगे, डीएचए सिटी कराची में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। 17 सेक्टर की एक हैसियत है, ये भी तो इफेक्टिव है ना फराज भाई, इनको ऑफिशियल खाली नहीं दिया हुआ ना, कोई इफेक्टिव नहीं है। आपके पास डीएचएसटी का लेटर है, आप प्लॉट के ओनर है, कोई इफेक्टिव नहीं है। आप मतलब अगर आप डीएचएसटी कराची में जाएं अपना प्लॉट लेंगे तो वो नक्शे में बताएंगे हमारा प्लॉट कहाँ है सेक्टर 9, 10, 11, 12? नक्शे में तो अभी आपको नहीं पता चलेगा ना, नक्शे वही मैंने आपको नक्शे की बात बता दी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होगा तो नक्शे भी प्रॉपर हो जाएंगे, प्रॉपर आ जाएंगे नक्शे। अच्छा ये आपसे फेक कमिटमेंट कभी नहीं करेगा। अच्छा हम वहाँ जाते हैं तो ये गलियों के ना बोर्ड लगे हुए, और इन्होंने कहा था कि जब फार्म हाउस के आपस बाउंड्री लगा देंगे, गेट लगा देंगे, ये काम तब तक हुई नहीं, और स्ट्रीट लाइट का बोलते हैं भी एक साल हो चुका है सर, क्या ये काम कब होगा सर? क्या इदारे ने आपको बोल दिया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और पूरा हैंड ओवर हो गया? फार्म हाउस हैंड ओवर हो चुके हैं, पूरा हैंड ओवर हो गया, 200 के 200 फार्म हाउस। फार्म हाउस तो जो हैंड ओवर हो चुके हैं उनको सिक्योरिटी का क्या करेंगे? 50 स्टार्ट हुए, सिक्योरिटी वहाँ पर है, टावर बने हुए, वॉच टावर वहाँ पे। लेकिन पिछले साल उन्होंने बोला था कि दीवार लगाएंगे और उसका गेट लगाएंगे। आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, क्या पूरे फार्म हाउस डिलीवर हो गए? नहीं हुए, स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है, जब सारे हो जाए उसके बाद आप बोलेंगे नहीं हुआ, फिर आप बोलिएगा, अभी तो अंडर प्रोसेस है काम, अभी आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा ये बात चल रही है, चीज कंप्लीट हो जाए, डीएचए बोलते हमने हैंड ओवर कर दिया, फिर कोई चीज कम रह जाए फिर आप बोलिएगा। अच्छा लोकेशन आ रही है, क्या लग रहा है मार्केट चलेगी? मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह सर। 500 गज चलेगा भी अली भाई, क्या कहते हैं आप? 500 गज भी चलना सही है, जिस तरह का वैली का रेट प्लस हो जाएगा। हाँ अगर 200 गज वैली, अगर अच्छी जगह जिस तरह दे रहे हैं शौकत खानम के पास, अगर इस तरह अगर वैली का रेट प्लस हो जाएगा तो 200 गज प्लस हो जाएगा, ओवरऑल जो दूसरे रेगुलर सेक्टर्स भी है। उमेर यार लोग कहते हैं बायर नहीं है, लोगों का पैसा नहीं है, क्या तुम हर वक्त पीछे पड़ रहे थे हमारे के यहाँ प्लॉट दे दो वहाँ प्लॉट दे दो, कहाँ का बायर तुम्हारे पास? बायर है तो भाई हम लोग तो जा रहे हैं वैली इस खुशी से, अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, हम इस खुशी से जा रहे हैं कि वहाँ बैलेटिंग हो, डीएचए की एडमिशन वाकई काफी हद तक काम कर रही है। मुझे लगता है कि शायद ये लाइब्रेरी डीएचटी की एडमिशन की नहीं थी, डीएचए की जरूर थी लेकिन डीएचटी एडमिशन की नहीं थी, उन्होंने इसको कबूला अपने गले से लगाया और बहुत बड़ा काम है। मैं कहता हूँ ये बहुत जल्दी इन्होंने नक्शा भी देने जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव बात है, अल्लाह करे वहाँ जा रहे हैं को पॉजिटिव सुनने को मिले इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू।